स्वागत है एमएससी एग्ज़ाम में। और एमएससी एग्ज़ाम में आज हम लोग करने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज़, ठीक है। क्विक रिवीजन सीरीज़ इससे पहले एक सेशन हो चुका है, उस रिवीजन सीरीज़ का दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जहाँ से हम लोग ख़त्म किए थे बात वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक एक होना चाहिए जिस चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और पढ़ने में मज़ा भी आना चाहिए। देखिए भैया, साइंस रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये जो है जानने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी में जैव प्रकम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जैव प्रकम में हम लोग पोषण तक देख चुके थे, यानी कि न्यूट्रिशन देख चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट श्वसन, ठीक है। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, श्वसन रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो रेस्पिरेशन आज स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी तक जो है सीट बेल्ट टाइट नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। और हम लोग पोषण देख चुके थे, यानी कि पोषण में हम लोग क्या कर चुके हैं, पोषण में हम लोग भोजन को ले चुके थे, ठीक है। भोजन क्यों लिए थे, एनर्जी के कारण, यानी कि ऊर्जा लेने के लिए, ठीक है। भोजन को हम लोग क्यों लिए थे, ऊर्जा लेने के लिए, ठीक। अब ये ऊर्जा तो भोजन से आता है, लेकिन भोजन से ऊर्जा तो आता है, लेकिन इसमें करना क्या पड़ता है कि इस भोजन को ऊर्जा लेने के लिए तोड़ना पड़ता है। जब हम इसको तोड़ेंगे तब हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। के लिए फूड में हम लोग क्या C6H12O6 लिए थे, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का अपन लोग क्या करते हैं, इसमें तोड़ते हैं। जब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें O2 की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये ऑक्सीजन करता क्या है, इसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद क्या फॉर्म करता है, तोड़ने के बाद बनाता है ATP, ठीक है। ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव ऊर्जा, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल एनर्जी क्या होता है, ATP, ठीक है। तो हम लोग के लिए करेंसी क्या है, नोट है, पैसा है, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए करेंसी क्या है, ATP, ठीक है। ATP से हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए भैया, तभी यह टूटेगा, और टूटने के बाद जो है हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो हम लोग को रेस्पिरेशन क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन से ही हम लोग क्या करते हैं, O2 को लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस से लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है इसको डिफाइन करेंगे, रेस्पिरेशन होता क्या चीज़ है। सम्मिलित रूप जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या है, उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जिसके द्वारा हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है। ऊर्जा किसके फॉर्म में उत्पादन करता है, ATP के फॉर्म में उत्पादन करता है। तो अब हम लोग देखेंगे तो क्या ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यह ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इरेज। ये ग्लूकोज है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, O2, ठीक है। तो ये ग्लूकोज होता क्या है, ये ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में टूट जाता है। ये ग्लूकोज यहाँ देख सकते हैं 6 कार्बन का है, लेकिन पाइरूवेट जो होता है 3 कार्बन का होता है। पाइरूवेट कितना कार्बन का होता है, साथ में बोलो, 3 कार्बन का होता है, ठीक है। पाइरूवेट 3 कार्बन का, ग्लूकोज 6 कार्बन का। अब देखिए ये ग्लूकोज जब 6 पाइरूवेट जो टूटता है, तो ये कहाँ पे टूटता है, तो ये हमारे सेल के कोशिका द्रव्य में, यानी कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में टूटता है, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में टूट जाता है किस में, पाइरूवेट में, ठीक है। लेकिन पाइरूवेट तक टूटने के लिए यहाँ जो टूटता है, तो पाइरूवेट में टूटता है, साथ ही साथ हमें ऊर्जा भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में हमें कोई भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये विदाउट ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन नहीं लेता है उसमें भी ये प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन लेता है उसमें भी ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हम लोग जानेंगे ये पाइरूवेट जो है भैया, ये फिर तीन कंडीशन होती है, ठीक है। साथ में रहिएगा, आपको पूरा NCERT जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपको बिल्कुल रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं फटाफट से, पाइरूवेट जो है टूटता है 3 कार्बन का होता है, तो इसको एक पढ़ते हैं हम लोग, वायुवीय श्वसन, ठीक है, वायुवीय श्वसन, ठीक है। अब ये होता क्या चीज़ है, इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो देखिए ये 3 कार्बन वाला टूटता है, वायुवीय श्वसन, यानी कि जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की
ज़रूरत है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा तो उसमें वायु श्वसन होगा, तो इसमें जब ये पाइरूवेट टूटेगा तो किस किस में टूटेगा, तो इसमें CO2 प्लस वाटर में। इसके बाद हमें क्या देगा, ढेर सारा ऊर्जा देगा, ठीक। इसके बाद होता है, जब होता है क्या, ऑक्सीजन की कमी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगा तब ये पाइरूवेट टूटेगा। ये किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल में टूटेगा, प्लस हमें क्या देगा, ऊर्जा देगा, ठीक है। इसके बाद जब अवायवीय श्वसन होगा यानी कि ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तब ये टूटेगा किस में, साथ में बोलो इथेनॉल, और प्लस में हमें देगा CO2, और साथ ही साथ क्या देगा, ऊर्जा देगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अवायवीय श्वसन कब होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये चीज़ें बनती है। ये चीज़ें कहाँ बनती है, इसका एग्जांपल क्या अभी है, इसका एग्जांपल है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में आपको जो है ऑक्सीजन नहीं लेता है वो, तो ये इथेनॉल बनाता है, CO2 और ऊर्जा मिलता है, और ये प्रोसेस ईस्ट में होता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके जो मांसपेशी है, मांसपेशी इसमें होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बन जाता है तो मांसपेशी में होता है क्रैम्प, क्या होता है क्रैम्प, यानी कि आप जब जिस दिन सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए यानी कि ज़्यादा दौड़ धूप कर लिए, तो आपके जांग में दर्द होता है, आपके जो है दोनों एक शोल्डर में दर्द होता है। ये दर्द क्या होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, जिसको हम अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं, जिसका मेन कारण क्या है कि आपके वहाँ पर लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना, ठीक है। वहाँ लैक्टिक एसिड क्यों जमा होता है, क्योंकि वहाँ जो है प्रॉपर तरीके से वो सेल्स ऑक्सीजन को नहीं ले पाता है, इसीलिए। और जब वायवीय श्वसन होता है तो बिल्कुल पाइरूवेट जो है एकदम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऊर्जा में टूट जाता है। ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये प्रोसेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये प्रोसेस होता कहाँ है, साथ में बोलो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। प्रोसेस होती है वायवीय श्वसन का पूरा कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए इसके बाद हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। जैसे ये CO2 है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है टूटा किस में, पाइरूवेट में, और पाइरूवेट जो है फिर फर्दर टूट जाता है CO2 H2O एंड ऊर्जा में। आप इससे पहले प्रकाश संश्लेषण से पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़े थे कि CO2 प्लस H2O ये मिलता है, मिलके क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर ये बनाता है। तो ये यहाँ क्या लेता है, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश, और साथ साथ क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन लीफ का क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है जो इस प्रोसेस को कर देता है। लेकिन हम लोग श्वसन में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग श्वसन की बात करते हैं तो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, यानी कि जब हम श्वसन की बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्या क्या चीज़ की बात करेंगे बच्चा बोलो, श्वसन की बात करेंगे, जब श्वसन की बात करेंगे तो यह होगा क्या कि C6H12O6 जो है कन्वर्ट हो जाएगा CO2 एंड H2O, अब प्लस हमें ऊर्जा देगा, ठीक है, क्या देगा, ऊर्जा देगा। अब बातें करते हैं बार बार की ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी एनर्जी क्या है, एटीपी के फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, साथ में बोलो एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी क्या होता है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या होता है, करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल, एटीपी के फॉर्म में होता है। एक एटीपी जब टूटता है, एक एटीपी जब टूटता है तो हमें कितना एनर्जी मिलता है, 30.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल नहीं, 30.5, ठीक है, किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, श्वसन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी को अभी तक समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आगे है, ठीक है, अभी तो ये झांकी था, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पिक्चर देखते हैं पूरा, ये तो अभी हम लोग फॉर्मेट तैयार किए पिक्चर का, तो चलिए आगे देखते हैं कि श्वसन जो है यानी कि ग्लूकोज से टूटा पाइरूवेट में, पाइरूवेट से क्या हुआ, CO2 यहाँ पे बन गया लैक्टिक एसिड, और ये इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्लांट में किस तरह से होता है, एनिमल में किस तरह से होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्लांट एनिमल सभी चीज़ों को पढ़ना होगा, क्योंकि बायोलॉजी क्या चीज़ का स्टडी है, साथ में बोलो बायोलॉजी क्या चीज़ का स्टडी है, लिविंग थिंग्स का, तो लिविंग थिंग्स में प्लांट भी आता है, तो हम लोग को प्लांट भी देखना है, एनिमल भी देखना है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फटाफट से देखते हैं श्वसन की प्रोसेस किस में, प्लांट में किस तरह से होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे श्वसन, भैया श्वसन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है श्वसन, बात करेंगे पौधा में, इसके बाद बात करेंगे जंतु में, ठीक है। अब देखिए पौधे में श्वसन किस तरह से होता है, इसको समझ लेते हैं फटाफट से। पौधे में श्वसन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पौधे में अगर हम श्वसन की बात करें तो ये होता कैसे है,
तो पौधे में जो है ग्रीन लीफ से होता है श्वसन, और श्वसन होने के लिए, पौधे में श्वसन होने के लिए कोई स्पेशल जो है इसमें सिस्टम बना हुआ नहीं है, ठीक है। स्पेशल सिस्टम बना हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पौधे में जो ग्रीन लीफ है, हरी पत्ती है, ठीक है, जो आपकी हरी पत्ती है, उस हरी पत्ती से ही क्या होता है, उसका ग्रीन लीफ से ही क्या होता है, इसका गैसों का डिफ्यूज़न होता है, यानी कि परिसरण होता है, यानी कि डिफ्यूज़न गैसों का इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न। साथ में बोलो गैसों का क्या होता है, डिफ्यूज़न। यानी कि जो हरी लीफ है, यानी कि जो ये लीफ है, इसमें हम आपको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि ग्रीन लीफ में क्या होता है, रंध, ठीक है, रंध होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ये स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है कि बाहर से किसको लेता है, CO2 को लेता है, बाहर से क्या क्या किया, बाहर से CO2 को लिया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर में होता क्या है कि इसके अंदर में होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। अब ग्लूकोज को बना के ये फिर अब इसके अंदर में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद ऑक्सीजन को ये क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस CO2 और O2 का जो प्रोसेस होता है, इसके बाद ये प्रोसेस किससे होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या है कि गैसों का जो है परिसरण होता है, यानी कि डिफ्यूजन से ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का ये प्रोसेस, दोनों प्रोसेस होता कहाँ, स्टोमेटा से होता है। इसके लिए कोई विशेष तरह का कोई स्पेशल यानी कि उस तरह का अंग नहीं है, ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्लांट की अगर हम बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषण में आप लोग जो पढ़े थे कि इसमें स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा एक सेल है, उसी सेल के द्वारा CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये किस विधि से होता है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। तो प्लांट में स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोग को स्पेशल फोकस करना है जंतु में, ठीक है, क्योंकि जंतु में होता क्या है, स्पेशल कुछ स्पेशल जो है अंग होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जंतु का, ठीक है, कि श्वसन की प्रोसेस जंतु में, ठीक है। तो ये जंतु में होता कैसे, एनिमल में होता कैसे भैया, तो एनिमल तो एक तरह का है, एनिमल बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो किस में रहता है, साथ में बोलो जो कहाँ रहता है, जलीय हो सकता है, जलीय जंतु है, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल है जो कहाँ पे होता है, स्थलीय होता है, स्थलीय जंतु भी होते हैं, यानी कि जो जल में रहते हैं जलीय जंतु, जैसे कि फिश हो गया, मेंढक हो गया, ये सब कहाँ रहता है, जल में रहता है। तो ये जलीय जंतु ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन को ये कहाँ से लेगा, जलीय जंतु ऑक्सीजन को कहाँ से लेगा, ऊपर से जलवायु से लेगा या फिर वायुमंडल से लेगा, कहाँ से लेगा, जलीय जंतु ऑक्सीजन को कहाँ से लेगा, क्योंकि ये जल में रहता है तो ये ऑक्सीजन को लेगा पानी से, ये ऑक्सीजन को कहाँ से लेगा, ये ऑक्सीजन को लेगा पानी से, यानी कि ये ऑक्सीजन को लेगा वाटर से, ये ऑक्सीजन को कहाँ से लेगा, तो ये ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेगा, इन्वायरमेंट से लेगा, इन्वायरमेंट से क्या लेगा, ऑक्सीजन को लेगा, सांस के थ्रू लेगा, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू लेगा। जब हम पानी में की बात करते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, मछली, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं, मनुष्य ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि स्थान में रहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये मछली स्पेशल स्पेशल इसलिए लिए कि मछली में जो श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो किस तरह से होता है कि ये पानी को अंदर लेता है, ठीक है। पानी को जैसे अंदर लिया, इसके बाद ये क्या करता है, फोर्सफुल्ली पानी को छोड़ता है, और इसके गिल्स से जो गलफड़ा होता है, गिल्स से ये पानी को छोड़ता है, और उसमें जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है इसके बॉडी में जाता है, यानी कि जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इसके थ्रू हो गया। अगर हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये किस तरह से लेते हैं, तो मनुष्य में इसके लिए स्पेशल क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र है। तो इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य में श्वसन, ठीक है, मनुष्य किस तरह से श्वसन लेता है, और इसके जो है श्वसन अंग कौन कौन से हैं, और किस तरह से जो है इस प्रोसेस को, यानी कि इस प्रोसेस को होता है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य में श्वसन, ठीक है। हाँ जी, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्य में श्वसन, ठीक है, ये मनुष्य में श्वसन होता कैसे है। तो मनुष्य में श्वसन होने के लिए श्वसन अंग होते हैं उसके पास। तो श्वसन अंग में कौन कौन से हैं, मनुष्य के जो श्वसन अंग हैं वो कौन कौन से हैं, श्वसन अंग जो है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो कौन कौन से हैं। मनुष्य में श्वसन यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है नासा द्वारा, यानी कि नोजल कैविटी, नोजल पैसेज, नोजल पैसेज। इसके बाद क्या आता है, ग्रसन, यानी कि फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स। इसके बाद आता है लैरिंग्स,
फेरिंग्स से लैरिंग्स के बाद, इसके बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आता है ये श्वास में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये ब्रोंकियोल, और ये रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और ये हो गया एल्वोलाई, ये आ गया एल्वोलाई। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि जो मनुष्य में श्वसन होता है उसका अंग क्या क्या होता है, कौन कौन अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है नासा द्वार, यानी कि नोजल पैसेज होता है, नोजल पैसेज यही है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्राशनी, ये वाला, इसके बाद आता है कंठ जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स, इसके बाद श्वसनली ट्रेकिया, श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, इसके बाद श्वसनी का ब्रोंकियोल्स, इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, इसके बाद लास्ट में क्या आता है एल्वोलाई। अब अपन लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है लंग्स इन्वॉल्व होता है, एल्वोलाई कहाँ पे होगा, लंग्स में होगा। तो लंग्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो ब्रोंकियोल्स तो पूरा नहीं आता, लेकिन ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई नहीं आता लेकिन ब्रोंकियोल्स आता है, ये पूरा पार्ट, यानी कि जो ब्रोंकियोल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई है, ये पूरा पार्ट आपका फेफड़ा, यानी कि जो लंग्स है, जो लंग्स है यानी कि जो फेफड़ा है आपका, उसमें जो है ये रहता है इतना सारा चीज़। इसके बाद ये जो है यानी कि लंग्स के ऊपर वाला पार्टें हैं, ये सारी चीज़ यानी कि नोजल पैसेज है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, इसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, ये सारी चीज़ किस में आता है आपका, लंग्स का पार्ट है। ठीक है, एक बार हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके बाद जो है इसको क्लियरिटी से समझते हैं कि हमारा जो ईयर है यानी कि जो हवा है वो कहाँ कहाँ आता है और कहाँ कहाँ से पास होता है, किस तरह से जो है हमारे ब्लड तक ऑक्सीजन को पहुँचाने में हेल्प करता है। तो देखिए कि सबसे फर्स्ट में ये हो गया आपका यानी कि माउथ वाला पेसिस। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नोजल कैविटी स्टार्ट होता है, आया, आने के बाद ये बन गया आपका कंठ। ठीक है, जो आप भी इसको फील कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे हाथ देंगे तो ये चीज़ें क्या है, कंठ है, लैरिंग्स है। इसके बाद लैरिंग्स के बाद जो है ये थोड़ा सा आगे आता है। ठीक है, और हमारे जो रिब्स है, ये जो पसली है, ठीक है, यहाँ से लेकर ऊपर तक जो रिब्स है, रिब्स की हड्डी है, ठीक है, इसके बीच से एक नली जाता है जो कि अर्धवलय यानी कि जो अर्धवलय होता है और कार्टिलेज का ये बना होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ से ये डिवाइड हो जाता है इस तरह से दोनों साइड, इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग का रहता है लंग्स। ये क्या चीज़ें हैं, ये लंग्स हैं। ठीक, ये दोनों लंग्स हो गया, और इसके जस्ट नीचे एक होता है डायफ्राम, जिसका काम क्या होता है, डायफ्राम, जिसका काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, लेवल करते हैं। ये क्या हो गया आपका, नासा द्वार। ठीक है, नासा द्वार यानी कि नोजल पैसेज। ठीक, इसके हो गया क्या, ब्रश यानी के लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये हो गया क्या, फेरिंग्स। इसके बाद ये हो गया क्या, कंठ, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हो गया क्या, श्वास, श्वास यानी के ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये वाला पार्ट जो है ये क्या, श्वसनी यानी के ब्रोंकाई। ठीक, इसके बाद अंदर में जो ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या हो गया आपका, श्वसनी का यानी के ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। इसके बाद ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कोस, एल्वोलर सेक, ये क्या हो गया, एल्वोलर सेक, ये हो गया डायफ्राम। ठीक है, और ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों अपन का लंग्स, फेफड़ा, जिसको आप फुस यानी कि जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फेफड़ा। ठीक है, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लंग्स। तो आज ये भी ईयर का पेसिस साथ साथ बोलिएगा, साथ साथ बोल रहा है, ये ईयर आता क्या, ये क्या हो गया, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी।
ठीक है, मुखवाह। इसके बाद हम लोग आज अभी देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे कि हम लोग का ईयर है, ठीक है, ये ईयर आता कहाँ से है। तो ये ईयर हम लोग सबसे पहले नॉस्ट्रिल से लेते हैं। अब जो बाहर में जैसे देख रहे हैं मेरा अभी नॉस्ट्रिल है, इस नॉस्ट्रिल से हम लोग क्या लेते हैं, ईयर को लेते हैं, नासा द्वार में जाता है। तो नॉस्ट्रिल के अंदर में, नाक के अंदर में जो दो छेद होता है, उसमें होता क्या है कि बालें होती हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ईयर लेते हैं तो उसको क्या करता है, ये छानने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ रहता है म्यूकस, जो इसमें ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो कीटाणु विषाणु यानी कि बैक्टीरिया वायरस होता है, उसको ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, ठीक है। इसके बाद नोजल कैविटी में जाता है, नोजल पैसेज में जाता है। नोजल पैसेज में जाने के बाद आगे आ जाता है कहाँ, फेरिंग्स में, इसके बाद कंठ में, लैरिंग्स में, इसके बाद ट्रेकिया, इसके बाद श्वसनी में आता है, इसके बाद जो है श्वसनी यानी कि ब्रोंकियोल्स में आता है, इसके बाद लास्ट में कूपिक कोस्ट में आता है। यहीं पे आकर क्या होता है, ईयर का एक्सचेंज होता है किसमें, ब्लड में, ठीक है। इसके बाद इस यहाँ जितना भी ये देख रहे हैं आप एल्वोलर सैक देख रहे हैं, तो ये सब में क्या होता है, ब्लड का वेसल्स जो है ये सब में होता है, ब्लड का वेसल्स ये सब में पूरा होता है। यहाँ पर आने के बाद होता क्या है, यहाँ पे आने के बाद ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होता है। तो आइए हम एक पार्ट को जो है ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ जूम करके देखते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़, ठीक है। आ जाइए, इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। तो इसको जैसे हम लोग जूम करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें क्या है, श्वसन श्वसनिकाएँ हैं, मैंने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, और ये क्या है, कूपिक है, कूपिक कोस्ट। अभी जो यहाँ लिखे हैं कूपिक कोस्ट यानी एल्वोलर सेक है, क्या है, एल्वोलर सेक है, ठीक। अभी ये एल्वोलर सेक को हम लोग क्या करते हैं, और थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, एक को सिंगल को देखते हैं, ठीक है, जो सिंगल है उसको देखते हैं। तो ठीक, ये क्या है, सिंगल कूपिक है, ये सिंगल कूपिक यानी कि एल्वोलाई है, बड़ा एक है, ठीक। इसके बाद इसके ऊपर में, इसके कांटेक्ट में क्या रहता है, ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ये है क्या चीज़, रुधिर की वाहिनी, ब्लड वेसल्स। अगर ईयर की हम लोग बात करें, यहाँ से ईयर आया और यहाँ तक लास्ट में आया, यहाँ आने के बाद क्या होता है, ब्लड के कांटेक्ट में होता है। तो हम लोग जैसे सांस लिए, तो सांस में क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन कहाँ पर आया, तो इसमें आया, ऑक्सीजन किस में आया, एल्वोलाई में आया। इस एल्वोलाई से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कहाँ करना है, ब्लड में करना है, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। अब ब्लड में क्या है, CO2 है, ब्लड में कौन सा गैस है, CO2, कहाँ से आया, तो जब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी बनाने के लिए जब तोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को, CO2 बनता है, तो इस CO2 ब्लड लेके आया। अब ये CO2 को क्या करेगा, लंग्स में डाल देगा, लंग्स में CO2 को डाल दिया, यहाँ पे CO2 आ गया, फिर इस रास्ते से होते हुए क्या हो गया, CO2 बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन इस ये जो है पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों लंग्स हैं, अब देखिए इसमें दो वार्डें हैं, ठीक है। दो वार्ड क्या क्या हैं, अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, यानी कि मानव में श्वसन की, तो इसमें दो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दो बातें क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं इन्हेलेशन, इन्हेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस को बाहर छोड़ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इन्हेलेशन एक्सहेलेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि इन्हेलेशन क्या होता है, तो इस साइड में समझ लेते हैं। इन्हेलेशन मैंने सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब तो सांस को बाहर छोड़ना। इसमें होता क्या है कि सांस को हम लोग क्या करते हैं, हवा को क्या करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो ईयर है उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक। तो इन्हेलेशन के प्रोसेस में आप मेरे साथ कीजिए, जैसे क्या किए, सांस अंदर आ गया, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें आपको एनर्जी लगता है, लेकिन सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो एक्टिव प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो जब इन्हेल करते हैं तब होता क्या क्या है कि ये जो आपका थोरेसिक कैविटी है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सिस्टम आपका बना हुआ है, लंग्स बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा थोरेसिक कैविटी में होता है, ठीक है। तो जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो आपका जो रिब केज है, यानी कि जो पसली की हड्डी है, वो क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। आपका जो नीचे यहाँ डायफ्राम है, ठीक है, आप ये डायफ्राम को देख रहे हैं, डायफ्राम जो है इस डोम शेप में, डोम शेप का मतलब क्या होता है, ऐसा जब आप सांस लेते हैं तो ये जो है कॉन्ट्रेक्शन में आता है, कॉन्ट्रेक्शन मतलब संकुचन, संकुचन का मतलब क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है,
ये फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। जब फिर ये रिलैक्स मोड में इस तरह से रहता है, यानी कि इसको आराम का मोड अगर बोलें तो ये इस तरह से रहता है। जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा सांस लेंगे आप तो ये फ्लैट हो जाएगा। जब फ्लैट होगा तो होगा क्या कि जो आपका ये रिबकेज वाला पूरा अंदर में जो कैविटी है तो वो जो है थोरेक्सिक, उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, उसका होता क्या है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो होता क्या है कि उसमें बाहर से अंदर हवा आती है, ठीक है। इसके बाद जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये जो है रिलैक्स मोड में आ जाता है, यानी कि इस तरह से हो जाता है। इसके बाद पूरा रिब केज आपका जो पसली की हड्डी है, हड्डी के साथ ऊपर जो उठता है ये पूरा थोरेसिक कैविटी का ये पूरा सिस्टम, वो नीचे की ओर आ जाता है। ऑटोमेटिक वॉल्यूम घट जाता है, आयतन घट जाती है, जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का आयतन घटने के कारण जो है अंदर का जो हवा है वॉल्यूम घटने के कारण बाहर में हवा चले जाता है, ठीक है। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की हम बात कर रहे थे, तो इसमें होता क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है या ये क्या होता है पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इनहेलेशन में जो डायफ्राम है ये इसका कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि संकुचन होता है, ठीक है। इसके बाद रिब केज, अगर पसली की हड्डी बोलें, पसली क्या होता है ऊपर की ओर आता है, आगे आता है, आगे एंड ऊपर और आता है, और इसमें डायफ्राम जो होता है आपका, ये डायफ्राम रिलैक्स, संकुचन नहीं होता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पसली रिब की रिब केज जो है, रिब केज की बात करें, रिब केज रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है वॉल्यूम यानी कि जो आयतन है वो घट जाता है। घटने के कारण यानी कि डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, आयतन घटने के कारण प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है और आपका जितने भी एयर है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका लंग्स है, ये जो आपका फेफड़ा, ये होता क्या चीज़ है, ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है इस तरह से। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन से ये पैक होता है, ठीक है। और ये भी जो है मेम्ब्रेन, दोनों जो लंग्स है ये मेम्ब्रेन से पैक रहता है इस तरह का, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन में होता क्या है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं। इसके बाद इसके बीच में जो आप ये गैप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी में होता क्या है, प्लूरल फ्लूइड, इसमें होता क्या है प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख चुके हैं कि सांस किस तरह से अंदर आता है, ऑक्सीजन को किस तरह से लेके जाता है, ऑक्सीजन जो है किस तरह से जो है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में आता है, और ब्लड से CO2 किस तरह से कहाँ आता है, लंग्स में आता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा, अच्छा इसी में हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं इनहेलेशंस एक्सहेलेशंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो है आपका पूरा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश और आप हो जाएंगे छुट्टी। हम लोग को करना होगा सिर्फ क्वेश्चंस। अच्छा आज ये देखो, अब जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो है ऑक्सीजन गया ब्लड में, यानी कि ऑक्सीजन गया ब्लड में, और ब्लड में जाके इसको कौन लेके जाता है, तो RBC लेके जाता है। कौन लेके जाता है, RBC। RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन गया, ये हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन से मैच किया, इसके बाद क्या बना दिया, हीमोग्लोबिन, ये क्या बना दिया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बना देता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और ये पूरा बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद जहाँ ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है ये टूटता है, टूट के हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन उसको मिल गया। अच्छा इसके बाद अगर बात करें कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर CO2 जो है
कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पूरा जो आपका ये सेशन था, ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, जितना हम लोग कवर किए ना ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम पूरा सफिशियंट है। आप जो है बिल्कुल इसको तसल्ली मान के चलिए और ये पूरा सफिशियंट है। इतना चीज़ें अगर आप जो है ध्यान देते हैं तो पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। ठीक है, जो अभी तक हम लोग देख चुके हैं ये क्या है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। हम लोग क्या देख चुके हैं, पोषण, यानी कि पोषण में हम लोग क्या देख चुके हैं, यानी कि न्यूट्रिशंस में हम लोग देख चुके थे किस तरह से भोजन कौन कौन ऑर्गेनिज्म लेता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इंटरेस्टिंग भी था, वो क्या था, वो था ह्यूमन में पोषण, यानी कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज देखे हैं श्वसन, श्वसन में रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशंस के प्रोसेस को देखें। तो इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको डिस्कस करना है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, हंसते रहिएगा, एग्ज़ाम तो जाएगा ही अच्छा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।